नमस्कार दोस्तों, यह है इंडिया मार्ट का स्टॉक का चार्ट जो कि मंथली टाइम फ्रेम पर खुला हुआ है। इंडिया मार्ट का पूरा नाम इंडिया मार्ट इंटरमेस स्टॉक है। इसके चार्ट पे मैं क्या एनालिसिस कर रहा हूँ उस पर अपनी राय रखने जा रहा हूँ। यह वीडियो एजुकेशनल पर्पज के लिए है, इस बात को कंसिडर करते हुए देखा जाना चाहिए। तो इंडिया मार्ट का स्टॉक को जब मैं पाता हूँ तो मैं देखता हूँ कि इसमें एक एसेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न का फॉर्मेशन हो रहा है। असेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न होता क्या है अगर आपको मैं दिखाना चाहूँ तो मुझे कुछ लाइंस ड्रा करनी होंगी, ठीक है, और फिर आप देख पाएंगे। तो मैं लाइंस को ड्रा कर रहा हूँ, ठीक है, तो मिलाते हुए आगे खींच, ठीक है। देखिए असेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न्स यह पैटर्न है, ठीक है, चाहे तो इसको यहाँ तक भी रख सकते हैं, यहाँ तक रख सकते हैं। इस ये कहाँ तक जा रहा है उससे मतलब नहीं है, इसके इसके इस पॉइंट को मिलाइए और इस पॉइंट को मिलाइए, यानी एक असेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न बन रहा है। असेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न का टारगेट लक्ष्य वही होता है जितना इसका डेप्थ होता है, ठीक है। आपको कुछ लोग इसको कप एंड हैंडल बोलने की कोशिश करेंगे, लेकिन कप एंड हैंडल पैटर्न कभी भी कप के आधे से अगर प्राइस नीचे गिर जाए तो उसको कप एंड हैंडल नहीं बोलते हैं, लेकिन उसका भी लक्ष्य ऑलमोस्ट ऐसे ही आता है डेप्थ के अनुसार ही। तो ये वीडियो एजुकेशनल पर्पज है, आपको कुछ ना कुछ सीखने को मिल रहा है। तो हम हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। हमारा वीडियो जो है स्टॉक मार्केट पे सैटरडे या संडे को आता है, सैटरडे को शाम 5:30 बजे या संडे को 7:30 बजे सुबह के करीब, या दोनों दिन आपको कभी ना कभी देखने को मिल जाएगा। बीच बीच में एक आध वीडियो बहुत अच्छे कुछ ऐसे आएंगे या किसी पर कोई राय मांगेगा तो उसको देखने को मिल जाएंगे। जब हम इसके लक्ष्य को निकालते हैं तो हमारा लक्ष्य निकल के आता है, देखिए कहाँ तक निकल के आ गया, ठीक है, इसको हम हटाते हैं। तो यहाँ से अगर ब्रेकआउट होता है तो लगभग 39% के 39.21 के टारगेट आपको देखने को मिलेंगे, जिसका प्रीवियस लाइफ टाइम हाई टारगेट है, यानी इसका ये टारगेट आप कंसीडर कर सकते हैं जो इसका प्रीवियस हाई है, ठीक है, 4310 के इसमें लक्ष्य देखने को मिल सकते हैं। इसको कंसीडर करते हुए अगर आपको रिवार्ड पता चल गया तो रिस्क भी जानना चाहिए। तो रिस्क क्या है, रिस्क यही है लाइन ऑफ कंट्रोल बनाइए। अगर प्राइस इसके नीचे चला जाता है तो ये पैटर्न फेल हो जाएगा, अगर ये पैटर्न फेल होता है तो आपको रिस्क लगेगा लगभग 21% के। तो 21% और यहाँ 39% लगभग आया था, इसको आप ध्यान में रखते हुए इसको खरीदने का विचार मैं बना रहा हूँ और मैं इसमें खुद निवेशित हूँ, मैंने 25% पैसे लगाए हुए हैं, ठीक है। और खरीदने के स्टेप्स क्या हो सकते हैं मैं बताता हूँ कि लाइन ऑफ कंट्रोल से प्राइस जितना अधिक दूरी रहे दूर रहे उसी रेशियो में लगाते हैं। मान लीजिए हमको 100,000 रुपया इस स्टॉक में लगाना है, हम क्या करेंगे, इसको 3 भागों में तोड़ता हूँ और 4 भागों में 2500 को 25% करके, ठीक है। तो 25,000 मैंने अभी फिलहाल इसी इन्हीं स्तर के आसपास मैंने निवेश किया है, ठीक है। और तो देखिए 25% तो आप करंट भाव पे लगा सकते हैं, नो डाउट, यहाँ आपको पूरा एग्जिट मिल रहा है। और 25% आप इस स्तर पे 2897 के स्तर पे मैं लगाना पसंद करूँगा, और पुनः इस स्तर अगर 2728 का मिलेगा तो लगाना पसंद करूँगा, और पुनः लाइन ऑफ कंट्रोल के पास जब मिलेगा तो मैं लगाना पसंद करूँगा। इस तरह से इसमें मैं 100% अपना पैसा जो इसमें डालना है, अगर 1,00,000 डालना है इसमें पर्टिकुलर स्टॉक में, तो 1,00,000 डाल दूंगा। ऐसा भी हो सकता है कि प्राइस इसके नीचे न आए, नीचे नहीं आएगा तब क्या करेंगे, नीचे नहीं आएगा तो कोई बात नहीं, करंट भाव पे 25% खरीद रहे हैं। और एक बार जब ब्रेकआउट का कंफर्मेशन हो जाएगा मंथली चार्ट पे, चूंकि मंथली चार्ट है दोस्तों, अभी ब्रेकआउट आया नहीं, एकदम प्राइस रेजिस्टेंस पे खड़ा है, और जब मैं 1 अक्टूबर को देखूंगा तो मंथली चार्ट पूरा कब होगा, एक कैंडल जो है एक मंथ को दर्शा रही है, एक कैंडल एक मंथ को दर्शा रही है, तो मंथली चार्ट पूरा तब होगा दोस्तों 30 सितंबर को। 30 सितंबर को देखूंगा क्या ब्रेकआउट आ गया, नहीं आया तो फिर देखूंगा अक्टूबर में जाके, मतलब नवंबर में जाके, 1 नवंबर को ब्रेकआउट आ गया क्या, नहीं आया, अगर आ गया तब क्या करें। 25% तो हम करंट भाव पे लगा रहे हैं, बाकी के 25% जो है रेस्ट ऑफ मैं बता दिया कि डिफरेंट स्टेप्स पे लगाना है, डिफरेंट स्टेप्स पे मैं लगाना कोशिश करूंगा। लेकिन अगर ब्रेकआउट आ जाता है और स्टेप्स नहीं आते हैं तो फिर मैं 25% ब्रेकआउट जो स्तर है 3339 के ऊपर मैं लगाऊंगा। इस तरह से मैं लग रहा हूँ कि केवल 50% ही शायद निवेश कर पाऊँ अगर ये सब लक्ष्य देखने को नहीं मिले तो। कोई बात नहीं, एक स्टॉक में हम अपने प्रोपोर्शनलिटी के हिसाब से ही पैसा लगाते हैं क्योंकि हमको रिस्क मैनेज करना है। मार्केट में देखिए दो ही चीज़ होता है, या तो प्रॉफिट होगा या तो लॉस होगा।
प्रॉफिट हमारे हाथ में है नहीं कंट्रोल करना, प्रॉफिट को कंट्रोल करने का एक ही तरीका है कि रिस्क को कंट्रोल किया जाए, रिस्क को मिनिमाइज करेंगे तभी प्रॉफिट हमारी इनहेंस होगी। इसीलिए जो है हम रिस्क को मैनेज करके चलते हैं। जरूरी नहीं है कि मार्केट में एक स्टॉक में आप जिसमें 1 लाख लगा के सोचने का चल रहे हो, लगा ही दीजिए। अगर आपके पास कैश बच जाए तो आप बहुत अच्छे खिलाड़ी हैं मार्केट में, क्योंकि यार देखिए जिसके पास कैश है उसी के पास अपॉर्चुनिटी है। यहाँ 7500 से अधिक स्टॉक लिस्टेड हैं और यहाँ डे बाई डे अच्छी से अच्छी अपॉर्चुनिटी देखने को मिलती है, बस आपके मेहनत और खोजने के ऊपर है। ठीक है, ये हमारी राय रही इंडिया मार्ट के चार्ट पर, जो मैंने रिस्क और रिवार्ड को प्रस्तुत किया है। अगर आप हमारा वीडियो इन्फॉर्मेटिव पाते हैं तो हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें और आप हमारे प्रीवियस वीडियोज को देखें जो यहाँ डिस्कस किया हुआ है। ऑलमोस्ट वो अपने टारगेट को हिट करते हुए पाए जाएंगे और बहुत एफिशिएंट स्टॉक मैं प्रेजेंट करता हूँ। फिर भी हमारा इस वीडियो कोई बाय और सेल का रिकमेंडेशन नहीं देता है। किसी भी खरीदारी से पहले अपने स्वयं के विवेक का इस्तेमाल या अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह लेना ना भूलें। चलिए धन्यवाद, सब्सक्राइब करें।